लगा दे पानी में जवानी उसको कहते हैं, और छुपा के मुंह बैठ जाए बेईमानी उसको कहते हैं। युवा को जब उल्टा लिख हो गया तो वायु होता है, और वायु जब अपना रुख बदलता है तो उसका कोई चाइनीज ज्वाल रोकने वाला नहीं होता है। इसलिए युवा भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ कि दरिया के बांध बांध कर, दरिया को बांध बांध कर पानी को रोक दे, और किसकी मत जाल जो जवानी को रोक दे। मैं उर्मिला ठाकुर कोई वो ठाकुर की बेटी नहीं हूँ, ये आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि एक दाढ़ी बनाने वाला ठाकुर की मैं बेटी हूँ, जिसको आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने, बाबू तेजस्वी यादव जी ने उस विधान परिषद में भेजने का काम किए, जिस विधान परिषद में, जिस विधानसभा में माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। इस राज्य में, इस देश में, इस दुनिया में सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू लालू प्रसाद यादव जी पर व्यक्ति का नाम नहीं है, बाबू लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा है, बाबू लालू प्रसाद यादव एक विज्ञान है, बाबू लालू प्रसाद यादव जी एक दिग्दर्शन है। बाबू जिस तरह से हम लोग गीता रामायण महाभारत वेद पुराण पढ़ते हैं, उसी तरह से सामाजिक न्याय के महाग्रंथ का नाम बाबू लालू प्रसाद यादव है। और आपके सामने बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने, और बिहार के ही नहीं इस देश के सबसे प्रभावशाली युवा नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जो हमेशा चाहते हैं बिहार नंबर वन पर हो, जमुई की धरती नंबर वन पर हो, और उन्होंने आपके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, आपने, आपके नेता ने, आपके महागठबंधन इंडिया के नेता ने, इंडिया गठबंधन के नेता ने आपकी बेटी को अर्चना रविदास जी को लालटेन थमा के भेजे हैं। फैसला आपके हाथ में है कि आप अपनी बेटी के मान सम्मान के लिए एक एक वोट जो है लालटेन छाप पर देने का काम करेंगे, या जो फिरंगी आपके सामने में सियार के तरह चेहरा बदल करके आया है आपको ठगने के लिए, पूर्व में भी ठगने का काम किया, वर्तमान भी ठगने के लिए आया है। आपने देखा कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों में 5 लाख अस्थाई नौकरी देने का काम किए। आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने कहे थे 20 में कि जब आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं 10 लाख युवाओं को अस्थाई नौकरी देंगे। यही लोग हंसने का काम करते थे, कहां से लाएगा? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस समय जेल में थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो कहते थे यही नीतीश कुमार जी, यही चिराग पासवान लोग कि जेल से लाएगा रुपया। और आज जब उनको मौका आपने दिया तो 17 महीनों में 5 लाख नौकरी देने का काम किए। इतना ही नहीं, जब आपके पुरखा, हमारे पुरखा ने, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब 12% आरक्षण दिए थे, तो यही जो है बीजेपी वाले लोग, यही आतताई लोग नारा लगाता था, माँ की गोद सुनी है कर्पूरी ठाकुर पुनी है, ये लोग नारा लगाता था कर्पूरी कर्पूरा छोर गति धारस्तुरा माँ की, इन्होंने कई गालियों से नवाजने का काम किया जननायक कर्पूरी ठाकुर को। उस आरक्षण को बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने, इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री और राजमाता आदरणीय राबड़ी मैडम ने 18% अति पिछड़ा के भाइयों आपके आरक्षण को दिए, और बाबू लालू प्रसाद यादव बोले जो आरक्षण से आएगा आरक्षण कोटा में जाएगा, और जो मेधा से आएगा मेधा सूची में जाएगा। और उस आरक्षण को बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, अति पिछड़ा के भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोले कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और आपका जातिगत गणना करके एक एक लोगों को डाटा बताने का काम किए कौन लोगों की क्या संख्या है, और उन्होंने 18%
एलईडी को जगह पर लालटेन का करे नरेंद्र मोदी जी। अरे हाइड्रोजन बम और हाइड्रोजन बम और जो यहाँ पर आप आए थे यहाँ पर जो है परमाणु बम के जगह पर तीर का कोई काम है। आप बोलिए कि हेंडल को कुकर के सामने जो माझी जी है वो कराही का क्या काम है, और झोपड़ी जहाँ यहाँ पटारी और जो बड़े बड़े मॉल बनाते हैं वहाँ पर झोपड़ी का क्या काम है। इसलिए मैं कहने के लिए आई हूँ, झांसे में आने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिए, जुबान में ताकत दिए, खास करके मैं नाई की बेटी हूँ, अपने नाई भाइयों से अपील करना चाहती हूँ कि जमुई की जितने नाई लोग हैं आप एक एक वोट अर्चना दास को देने का काम करेंगे। अगर बाबू लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो आपके पुरखा जननायक कर्पूरी ठाकुर का उस विधानसभा में स्टेचू श्री कृष्ण सिंह के पैरलर में नहीं लगता। इसलिए जिसने आपको झांसा देने का काम किए, बाबू तेजस्वी यादव जी खेल प्रेमियों को कहे मेडल लाओ और नौकरी पाओ, और आपको लाखों लाख नौकरी देने का काम किए। एक तरफ देखिए कि हमारे आदरणीय नेता ने जो सीट अभी पूरा फाइनल भी सब जगह नहीं हुआ है, फिर भी 5 महिला को मैदान में उतारने का काम किया जिसमें अर्चना दास भी है। लेकिन बीजेपी वाले बड़का झूठा पार्टी कहे हम महिला बिल ला रहे हैं, महिला बिल लाए हैं, 33% आरक्षण देंगे, और 17 जो सीट दिया एक भी महिला को ये बीजेपी वाले जो है एक भी सीट देने का काम नहीं किए। विधान परिषद का 11 सीट का नोटिफिकेशन हुआ जनता मालिक, उस 11 में हमारे राष्ट्रीय जनता दल को 5 सीट मिला। बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी ने उस 5 सीट में 3 महिला को भेजने का काम किए जिसमें आपके घर की बेटी उर्मिला ठाकुर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को भी भेजने का काम किए। ये है राष्ट्रीय जनता दल, पत्थर फोड़ने वाली जात के मुसर भगवतिया देवी पार्लियामेंट जाती है, और मालती देवी चम जो रविदास से आती है वह पार्लियामेंट जाती है। लालू प्रसाद यादव जी के तेजस्वी यादव जी के सामाजिक न्याय में अर्चना दास जैसे को रविदास की बेटी को टिकट मिलता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय में मुन्नी रजक जैसे लोग जाती है। बाबू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में धानु की बेटी पार्लियामेंट जाती है, राज्यसभा जाती है, कुमकुम राय जैसे लोग जाती है। बहुत सारी बातों को करना था बाबू तेजस्वी यादव जी अपने राजपाट में, जब उनको आपने मौका दिया, अनिता देवी जो ननिया की बेटी है को मंत्री बनाते हैं। इसलिए गलतफहमी में आने की जरूरत नहीं है, खास करके कि पिछड़ा के भाइयों, आज देश में जो है आपके बाबा भीमराव के संविधान को बदलने वाले लोग खड़े हैं एक तरफ, जो कहते हैं 400 पार, जनता पर भरोसा नहीं, खुद पर भरोसा है, 400 पार करें, वह झूठ बोल रहे हैं। उनको जो है बिहार में एक भी सीट नहीं मिलेगी, बिहार ने विशेष राज्य का दर्जा दिया, न विशेष पैकेज दिया, न आपने कहा कि हम जो है 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, 15-15 लाख देंगे, किसान के लागत मूल्य का 2 गुना 1.5 गुना करेंगे, लेकिन सब पर आपने जुर्म किया, आपने कुछ भी नहीं देने का काम किया। इसलिए आप लोग को झांसे में आने की जरूरत नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए इस देश के आरक्षण को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए आप लोगों को एकजुट होना होगा। अगर इस बार अगर आप चूकेंगे तो समझ लीजिए, खास करके मैं युवा भाई को कहना चाहती हूँ, नौजवान भाई, आपको नरेंद्र मोदी ने ठगने का काम किया, और एक तरफ तेजस्वी यादव ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। आपको अभी एक पैर पर खड़ा होकर के बाबू तेजस्वी यादव जी के हाथ को अगर मजबूत करते हैं, 24 में इंडिया गठबंधन जीतेगी और ये नरेंद्र मोदी गद्दी से उतरेंगे, तो हम कहना चाहेंगे, आपसे अपील करना चाहेंगे कि आग लगा दे पानी में, आग लगा दे पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छुपा के मुंह बैठ जाए बेईमानी उसको कहते हैं। इसलिए आप लोग चूंकि आपने सेना में आप नौजवान भर्ती होते हो, और सेना को इन्होंने पहले इस देश के जो है नौजवान को ठगने का काम किया, 4 साल का अग्निवीर में
परिवर्तित किया। और जो लोग जिसका बाप दादा आरएसएस का मेंबर है 25% वही रहेंगे, 75% को 4 साल में जाना पड़ेगा। इसलिए कहना चाहेंगे, युवा को जब उल्टा लिखोगे तो वायु होता है, और वायु जब अपना रुख बदलता है तो उसका कोई चाइनीज वॉल रोकने वाला नहीं होता है। इसलिए युवा भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ कि दरिया के बांध बांध कर, दरिया को बांध बांध कर पानी को रोक दे, और किसकी मत जाल जो जवानी को रोक दे, नौजवानों की जवानी को, नौजवानों की ताकत को। और आपका नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी नौजवान है जो पूरे स्पीड के साथ बिहार को नंबर 1 पे ले जाएंगे, और आज के आज जो जिसको लालटेन दे के भेजे हैं वो भी नंबर 1 है, और आप नंबर 1 पे है। इसलिए समय कम है, मैं कहना चाहूंगी आपको कि भाई एकजुट हो जाइए, क्योंकि आने वाला जो दिन है वो आरक्षण छीनेगा, आपका वोट देने का अधिकार छीनेगा, उसको बचाने के लिए एक एक वोट अर्चना दास जी को जो है लालटेन छाप के सामने वाली एक नंबर बटन को दबाकर अजय बहुमत से विजय बनाएंगे, और 24 में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनाएंगे अपनी रक्षा के लिए, अपने बच्चों की भविष्य की रक्षा के लिए, और 25 में बाबू तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन इंडिया गठबंधन।